मैं तो चुनी धाम में जावाला, मैं तो चुनी धाम में जावाला, गुण खे तलरा गावाला। जावाला खे तलरा गुण गावाला, केतला चीरा गुण गावाला, दर्शन कर सुख पावाला। मैं सुनाना बे ते जुनी दाम बे, सुनाना जावाला गुण केतला चीरा गावाला। मणि ने धावाला खेतल ने मनावाला, देखिए प्रथम बार इस मंच पे एक इस प्रकार के राजस्थान के ट्रेडिशनल आर्ट को जिंदा रखने का प्रयास हमारे खेतला जी के भक्तों के साथ। जो जो खेतला जी महाराज को सच्चे मन से मनाने आए हैं एक बार दोनों हाथ उठाए। देखो हाचा मंती आई उड़ा, वे हाथ उठाओ जो जिन्हें मन में कटे कोई थोड़ की भी विश्वास नहीं वह तो हाथ ऊंचा मत कर दो। स्टेज पे भी बैठे हैं जिनके मन में सच्ची आस्था है एक बार दोनों हाथ उठाएं और सबकी कम से कम ताली बजनी चाहिए खेतला जी महाराज के नाम से। मैं चुनी धाम में जावाला खेतलरा गुण गावाला, अरे खेतला जी रा गुण गावाला, पैरूने मनावाला। चुनी धाम में सोनारा में, चुनी धाम में, चुनी धाम में जावाला खेतलरा गुण गावाला। फूल माखड़ा लावाला, रूने चढ़ावाला, तेल माखड़ा के। ताली बजा दें आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कलाकार के लिए। राहुल राजस्थानी ग्लासों के ऊपर खड़े होकर के सिर पे घड़े लेकर के खेतला जी को वंदन कर रहा है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा रहा है सबकी ओर से। बोले चुनी धाम खेतला जी महाराज की जय हो। मैं तेल माखड़ा लावाला, तेरूने मनावाला, पाला पाला जावाला।
काजी चुजी धाम में रमता बेगाया जो ए महाराज भैरू जी अरे चुनी धाम में रमता बेगा आजो अरे ढोल नगाड़ा बाजे गे भक्त आरती में नाचे हे अरे ढोल नगाड़ा अरे ढोल नगाड़ा बाजे गे भक्त आरतियों में नाचे गे अरे ढोल नगाड़े बजते हुए खेतला जी के दरबार में सिर के ऊपर लगभग 14 घड़े सिर के ऊपर हैं, 13-14 घड़ा अभी और 17 घड़े सिर के ऊपर हैं और परात के किनारों पर खड़े होकर के कलाकार राहुल राजस्थानी एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। बोले खेतला जी महाराज की जय हो। और कलाकार की कला को निखारने का तरीका होता है, आपकी तालियां हमारी चार्जिंग का काम करती है। मोबाइल डिस्चार्ज होता है ना, उसमें तो बैटरी डालनी पड़ती है और अगर बैटरी फुल हो जाए, पर कई बार ऐसा होता है कि उसमें कई फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन को चालू करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ता है। आपको अच्छा लगे तो कलाकार को इनाम भी दे सकते हैं आप अपनी इच्छा से, कोई मना ही नहीं है। पर कलाकारों को देने से मुकेश सिंह जी को पता है, रमेश भाई को पता है, पिछली बार 1000 दिया था तो सुबह हाथों हाथ 2-2 हजार करके वापस दिए होंगे। खेतला जी महाराज एक का डबल करके देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं। पर तालियां बजाए भाई राहुल राजस्थानी के लिए। अरे सोना डाले जा वाला गुण के तलरा का वाला सोना डाले जा वाला गुण के तलरा का वाला अरे कौन के तलरा का माला चरणे शीश नमा वाला क्या बात है जो जो राहुल राजस्थान जगमग ज्योत जगा वाला दर्शन करवाया वाला जगमग ज्योत जगा वाला दर्शन करवाया वाला 500 रुपए की नगद राशि और कला को नमन, राजस्थान की आर्ट को जिंदा रख रहे हैं, बहुत सुंदर, धन्यवाद। 500 रुपए की राशि और देखिए लगातार रमेश भाई पहली बार आपकी ऐसी इच्छा थी, मुकेश सिंह जी की इच्छा थी कि कुछ अलग हटके हो। ये कलाकार अपने राजस्थान की जो आर्ट है संगीत नाटक कला अकादमी उससे जुड़े और कई बार विदेशों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और 31 घड़े लगातार सिर पर रख करके अपनी कला की प्रस्तुति पहली बार मंच से देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाते पूरे मंच की ओर से। अरे चुनी धाम में दर्शन सुनो भाग मारा खुल जा देगा चुनी धाम के
के दर्शन सुनो बात मना खुल जावेला ओ साचा मन सुधावेला के तन भेलो लावेला अरे मगरे रे मगरे रे मगरे रे मगरे रे मगरे रे मगरे मगरे रे मगरे जावाला तेरुने मानावाला के दोनों लोटों पर खड़े होकर के कलाकार राहुल राजस्थानी श्री जोनी धाम चित्ता जी के दरबार में अपनी प्रस्तुति मीठी मीठी ताली बजा करके सभी भक्त एक बार साथ स्वागत कर रहे सबकी ओर से थोड़ी तालियां बजानी चाहिए आगे चलते हुए क्योंकि चित्ता जी महाराज के दरबार में जो भी आता है उसको कुछ न कुछ मिलता है और उसके लिए कुछ न कुछ जागृत होना पड़ता है। उठाए एक बार दोनों हाथ सबकी ओर से बोले चित्ता जी महाराज की। अरे चित्ता जी ने धावाला चरणे शीश न भावाला धावाला चरणे शीश न भावाला माता मणि ने धावाला चरणे शीश न भावाला आशापुरा ने धावाला चरणे शीश न भावाला जोरदार तालियों से स्वागत करें सबके ओर से आशीर्वाद सभी भक्तों पर थोड़ा थोड़ा रिदम कम करो और सबको आशीर्वाद की फलीभूति मुझे भी बड़ा कहने में गर्व हो रहा है सबके समक्ष इन दोनों जगहों में लगभग 19 सालों से मेरी हाजिरी खेतला जी के दरबार में लग रही है। ये भी एक मेरे लिए बहुत मेरे खेतला जी की कृपा है और जीवन दर्शन की वजह है और ये खेतला जी का आशीर्वाद होता है तो ही संभव होता है सर। बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं। प्रमोद जी को लगभग 15-15-20 साल प्रमोद जी को हो गए